और इस प्रचंडिका का मुकाबला करो, इसे जीतने मत दो, वरना तुम्हारे दिमागी शक्ति का गलत फायदा उठाएगी, हर जगह विनाश मचा देगी। बालवीर, बालवीर, उठो बालवीर, बालवीर, उठो बालवीर, बालवीर उठो। अब ये सुपर कंप्यूटर सोच मेरे दिमाग से जुड़ जाएगा और इसके अंदर की सबसे तेज दिमागी शक्ति लेकर मैं तीनों लोक में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान बन जाऊंगी और मेरे दिमाग से बनी हुई किसी भी चाल का तोड़ कोई नहीं निकाल पाएगा, कोई भी नहीं। दुनिया की सबसे तेज दिमागों से बनी तुम्हारी सबसे तेज दिमागी शक्ति मेरे दिमाग तक भेजना शुरू कर दो सोच। चंडिका, अगर मैं बालवीर के दिमाग की तरह सोचकर कार्य करूंगा तो तुम भी प्रचंडिका के दिमाग की तरह ही सोचूंगी ना प्रचंडिका। और ये समझने के लिए मुझे किसी महासंगणक यंत्र की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि तुम अपने जीत के घमंड में मुझे यहाँ जरूर बुलाओगे और बाकी सबकी तरह मेरे दिमागी शक्ति को भी प्राप्त करने की कोशिश करोगे। इसीलिए मैं अपने दिमागी शक्ति के साथ परी लोक की हर परी की दिमागी शक्ति को ग्रहण करके यहाँ आ गया था। महासंगणक यंत्र हो या कुछ और, किसी भी वस्तु की कुछ भी ग्रहण करने की एक तय सीमा होती है। जैसे कि अगर एक उपकरण में उसकी सीमा से कुछ ज्यादा डाल दिया जाए तो वो बाहर निकल आता है, और वैसे ही बिजली, अगर बिजली को ज्यादा चलाया जाए तो वो खराब हो जाती है। बस बालवीर, अब प्रचंडिका का महासंगणक यंत्र क्यों ना, अगर हम सब परियां मिलकर अपनी दिमागी शक्तियों को एक साथ उसमें डाल देंगे तो उसे नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। हम सब परियां अपनी दिमागी शक्तियों को एक साथ मिलकर बालवीर को देंगे। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो। मस्तिष्क का बनाया हुआ सोच ये सोच भी नहीं पाया कि वो मेरी दिमागी शक्ति के साथ साथ परीलोक की हर परी की दिमागी शक्ति को भी अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। और देखो, जैसे ही उसने अपने अंदर दिमागी शक्तियों को समा पाने की सीमा को पार किया वो जलकर नष्ट हो गया। तो अब तुम ये समझ गई ना प्रचंडिका कि दूसरों की दिमागी शक्तियों को प्राप्त करके तुम खुद बुद्धिमान कभी नहीं बन सकती। अपनी इस जीत को आखिरी जीत समझना पाएगी, क्योंकि मेरे दिमाग से जो अगली चाल निकलेगी पृथ्वी
और परी लोग दोनों के लिए खतरनाक साबित होगी। संभालिए अपने आप को, आइए। हम अभी बालवीर और सभी बच्चों को ठीक करते हैं। इस नए एकेडमिक ईयर में आप लोगों का स्वागत है और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। दिल से पढ़ाई करना। सर, पढ़ाई तो हम एवरी ईयर करते हैं, इस साल कुछ अलग करते हैं ना। अच्छा, तो प्यून बनना चाहोगे? एक जगह खाली है। बेटा स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो, वही तुम्हारा काम है। अरे बॉस, सर को थैंक यू बोलो। क्यों? सर ने आपको प्यून बनने के लायक तो समझा। बच्चों, मुझे आज एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। हर साल की तरह इस साल भी स्कूल में मॉनसून कल्चरल फेस्टिवल होने जा रहा है और फेस्टिवल में आप लोगों को एक ड्रामा प्रेजेंट करना है और वो ड्रामा आप सब लोगों को ही लिखना है, डायरेक्ट करना है और एक्टिंग भी आप लोगों को ही करनी है। तो बच्चों, जो भी स्टूडेंट इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपने अपने हाथ खड़े करें। सर, मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी जैसा कोई एक्टर, डायरेक्टर और राइटर कोई है ही नहीं और मेरे नाटक के लिए तो कोई कंपटीशन भी नहीं है सर। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, नीचे करो। अरे नीचे करो, डरो मुझसे, मैं डायरेक्टर हूँ। मोंटू, वो क्या है ना, बालवीर ने तेरी इतनी बैंड बजाई है कि अब तुझसे कोई नहीं डरता। और मोंटू, नाटक करने के लिए ना एक चीज बहुत जरूरी होती है जो तेरे पास है नहीं, वो है दिमाग। और वो तुझे कोई उधार में भी नहीं देगा। सुनो बच्चों, आप सबको बराबर का मौका मिलेगा अपनी अपनी कहानी सुनाने का। आज ब्रेक में आप सब अपनी अपनी कहानी हमें सुनाएंगे और जिसकी कहानी हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी वो 2 दिन बाद होने वाले फेस्टिवल में सिलेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों, तैयारी शुरू कर दो। यस। क्यों ना हम कोई कॉस्ट्यूम ड्रामा करें तो? हाँ, लेकिन उस ड्रामा का सब्जेक्ट क्या होगा? वो नहीं पता। अरे बल्लू, तुझे कोई आइडिया सूझ रहा है क्या? अरे मुझे क्यों पूछ रहे हो, ड्रामा के बारे में मुझे क्या आइडिया सूझेगा, है ना? अरे सॉरी सर, सॉरी। हाँ बल्लू, उससे गलती हो गई, माफ कर दे उसे। उसे थोड़ी पता था कि तू इतना बड़ा लल्लू है। गाइस, मुझे तो लगता है ड्रामा चाहे जो भी हो पर उसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज भी होना चाहिए, है ना मेहर? हाँ, करेक्ट। ड्रामा के लिए कुछ नया आइडिया सोचना पड़ेगा। सोच मोंटू, सोच, सोच जल्दी सोच। मोंटू बॉस,
ड्रामा के लिए सॉलिड आइडिया आया है। आइडिया आया ना, तुम डराया क्यों? अब आइडिया सुनो। ए मुंडू बॉस, ये बहुत ही फालतू आइडिया सुना के फोन करेगा, अपना कान बंद करो। अबे पूरा आइडिया तो सुन ले मुंडू बॉस। एक पिज्जा स्टैंड नाम का शहर है, वहां हर चीज पिज्जा की है, घर, गाड़ी, बस, ऑफिस, स्कूल, सब पिज्जा की। वहां चीज और सॉसेस की बारिश होती है। वहां का एक राजा है पिज्जा सिंह, और उसका एक प्रधान है जिसका नाम है पिज्जा लाल। वो भी हमेशा पिज्जा खाते रहता है। उसके बाद अरे बुक्कर, आज तक तेरे दिमाग में पिज्जा और बर्गर के अलावा और कुछ आया है? सॉरी बॉस, मैंने ड्रामा के लिए एक धांसू आइडिया सोच लिया है। सोच लिया? अगर हमें नॉलेज से रिलेटेड कुछ करना है तो क्यों ना हम महाराणा प्रताप पे ड्रामा करें? नॉट अ बैड आइडिया। वैसे मैंने शिवाजी महाराज पे नाटक करने का सोचा है। वैसे हम भगवान श्री राम पर भी तो कर सकते हैं। हाँ, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है हमें गांधी जी पर ड्रामा करना चाहिए, है ना? महर, तू कुछ क्यों नहीं बोल रही है? कब से चुपचाप खड़ी है? मैं सोच रही थी कि हम अगर इन पांचों पे ड्रामा करें तो। पांच? पांच नहीं, सिर्फ एक। हमारे ड्रामा में सिर्फ एक कैरेक्टर होगा। वो कौन बॉस? तुम लोग बस देखते जाओ, मैं सर को कैसे इंप्रेस करता हूं। बस तुम्हारा काम है मुझे फॉलो करना। पांचों पे ड्रामा? अरे क्या मेहर कुछ भी बोल रही है, हमें एक ड्रामा करना है, पांच नहीं। हाँ मानव, हम एक ही ड्रामा करेंगे, लेकिन हम जिस पर ये ड्रामा करेंगे उसमें इन पांचों हस्तियों के गुण होंगे। मतलब? मतलब ये कि हमारे नाटक का हीरो गांधी जी की तरह सच्चा होगा, झांसी की रानी की तरह साहसिक होगा, राम भगवान की तरह अच्छा और नेक होगा, महाराणा प्रताप की तरह शूरवीर होगा, और शिवाजी की तरह बहादुर और बुद्धिमान होगा। सोचो जिसमें ये पांचों गुण होंगे वो कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन महर, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसमें पांचों गुण हो? वो बच्चों का रक्षक है, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। वाह महर, बालवीर पे ड्रामा, ऑसम, फैंटास्टिक, यस। चल महर, जल्दी से चल के सर को बताते हैं। हाँ हाँ, आई एम श्योर हमारा ही ड्रामा सेलेक्ट होगा, चलो जल्दी। और सर फिर? सर चार पांच बच्चों की कहानियां सुन ली हमने, पर किसी एक में भी दम नहीं है सर। नहीं, चूहा बिल्ली की कहानी, हाथी चींटी की कहानी, अरे सर एक में भी दम नहीं है। ऐसा थोड़ी नाटक होता है सर। आप टेंशन मत लीजिए, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी एकदम धांसू नाटक लिख के आया, जिसके अंदर सस्पेंस है, ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशन है। अच्छा? हाँ। सुना? सर, मैं आपको ये नाटक सुनाऊंगा नहीं सर, मैं आपको ये नाटक दिखाऊंगा। कितने आदमी थे? हम तो दो है बॉस। दूर जब कोई पिद्दी रोता है तब उसकी मम्मी उसे बोलती है, चुप
हो जा बेटा वरना वन टू द ग्रेटेस्ट लखानी आ जाएगा। मोंटू खुश हुआ, पूरा शहर मुझे मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के नाम से जानता है। नहीं नहीं बॉस, सारा शहर तो आपको मोंटू द ग्रेटेस्ट हाथी के नाम से जानता है। बस 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 मोंटू बस, बहुत हो गया हाँ, काफी देखा मैं, मेरे नाटक के एक झलक से ही सर तो इंप्रेस हो गए, अब तो वो तुम्हारा नाटक सुनेंगे भी नहीं। मोंटू तुम्हारे नाटक में सर पैर ही नहीं है। इतना वाहियात परफॉर्मेंस मैंने आज तक नहीं देखा है, और मेहर का नाटक जैसा भी हो तुम्हारे नाटक से बुरा तो हो ही नहीं सकता है, इसीलिए हम मेहर का नाटक सुने बगैर ही उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि हमने डिसाइड किया है कि हम बालवीर पे नाटक करेंगे। वेरी गुड मेहर, वेरी गुड, करो करो, और कौन किसका रोल करेगा ये भी फिक्स कर लो, क्योंकि तुम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ दो दिन में तुम लोगों को नाटक प्रेजेंट करना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए, कितना अच्छा नाटक मिला सर। right. नहीं मतलब बालवीर पे नाटक। yes. Very nice. मोंटू बॉस आप इतना उदास क्यों बैठे हो? ये देखो, हम आपका दिमाग का ऑपरेशन के लिए चंदा जमा किया है। मेरे दिमाग का ऑपरेशन क्यों? मेरे दिमाग को क्या हुआ है? मोंटू बॉस आप जो हमेशा घटिया घटिया आइडियाज देते रहते हो ना, अब देखो वो फालतू और घटिया वो नाटक का आइडिया, उसके बाद आपका वो खराब परफॉर्मेंस, ये सब घटिया आइडियाज के वजह से आप ही की बैंड बचती है, इसलिए हमने ये चंदा इकट्ठा किया है ताकि इससे आपका दिमाग का ऑपरेशन हो जाए। हाँ, और ऑपरेशन के बाद आपका दिमाग में अच्छा अच्छा आइडिया आएगा तो लोग आप पर हंसेगा नहीं, और आपके साथ हमारा इज्जत का कचरा भी नहीं होगा। मेरा नाटक सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ? देख लेना, मेहर के नाटक में बालवीर का रोल सिर्फ मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को मिलेगा। लेकिन मोंटू बॉस ऐसा कैसे होगा? मेहर ने तो ऑडिशन भी शुरू कर दिया है, और मेहर आपको बालवीर का रोल क्यों देगा? देगी, देना ही पड़ेगा। मेरी एंट्री इतनी धमाकेदार होगी ना कि वो मुझे मना कर ही नहीं पाएगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.